Hi friends, welcome to my channel. Today I'm making video on my kitchen garden. जैसे कि लॉकडाउन का टाइम चल ही रहा है, हर कोई अपने होम टाउन आ ही रखा है, तो मी एंड माई हस्बैंड थॉट वाई नॉट टू यूटिलाइज द टाइम एंड स्पेस. मेरे हस्बैंड को वैसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक है, मेरे फादर इन लॉ को भी था और मेरे डैड को भी है. सो आजकल हम घर की उगी हुई सब्जियां खा रहे हैं, इससे ज़्यादा फ्रेश और क्या हम चाह सकते हैं लाइफ में. सो लेट मी टेक यू टू माई स्मॉल किचन गार्डन इन आर होम टाउन. जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, ये बैंगन का पौधा है, कितना प्यारा लग रहा है ना. आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि 3-4 पौधों से ही इतने ज़्यादा बैंगन हो जाते हैं कि मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, बिकॉज दो लोग हम कितना खा लेंगे. ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग अनियंस, अभी काफ़ी छोटे हैं, कुछ टाइम बाद ये बहुत बड़े हो जाएंगे. और अब आप ये देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे गोभी के प्लांट्स, अभी ये काफ़ी छोटे हैं, थोड़े टाइम बाद इसमें पूरी कंप्लीट गोभी आ जाएगी और इससे ज़्यादा फ्रेश तो सच में और क्या मिलेगा. हमारे हरी मिर्ची के प्लांट्स, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है, सो मैंने ही अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया था चिली का प्लांट लगाने के लिए. और ये आप देख सकते हैं हमारा अदरक का प्लांट, ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है एंड ऑब्वियसली हम में से मोस्ट ऑफ लोगों ने पहली बार ही देखा होगा. और ये मेरा फेवरेट प्लांट कोरिएंडर, यानी कि धनिया. जब मन चाहा फ्रेश कोरिएंडर तोड़ा और सब्जी में डाल दिया. और ये फाइनली है हमारे टमाटर का पौधा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये ग्रीन है, कुछ ही टाइम में ये रेड हो जाएंगे, देन हम इनको प्लक करके स्टोर कर देंगे. मुझे तो वेजिटेबल प्लांट्स देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आप में से भी किस किस को होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ये तो सिर्फ हमारे वेजिटेबल प्लांट्स थे, अभी हमारे पास फ्लावर प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उसकी वीडियो जल्द ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. जे वीडियो चंगी लगे हो कमेंट ते लाइक करके जरूर दस्यो.